इतिहास। आज जब हम लोग रेलवे के बारे सुनते हैं, ठीक है, तो आज के युग में भी रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, और इसका आज हम लोग देखेंगे रेलवे का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से परिस्थितियां आई जिसने रेलवे को लाया, और रेलवे के लाने से, रेलवे के आने से, ठीक है, किस किस तरह के परिवर्तन आए, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, हमको पता है कि 1757 में पलासी की लड़ाई होती है, और पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सत्ता भारत में, यहां से हम लोग देखते हैं, मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। इसके कुछ ही वर्षों बाद हम लोग देखते हैं 1764 में फिर बक्सर की लड़ाई होती है, और इस विजय के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है उसका शक्ति बहुत ही बढ़ जाता है। इसके ठीक एक साल बाद हम लोग देखते हैं 1765 में एक अलाहाबाद की संधि होती है। अलाहाबाद की संधि के तहत हम लोगों ने देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने कर मुक्त व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था, और इस संधि के बाद हम लोग देखते हैं, देखे थे क्या कि किस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था लाए, और तीन तरह के भू राजस्व व्यवस्था लाए, क्या थे, जमींदारी व्यवस्था जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। यह तीनों व्यवस्था, ठीक है, का एक मूल उद्देश्य था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भारतीय किसानों से कर वसूला जाए, टैक्स वसूला जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव था आफ्टर 1765 हम लोग देखते हैं ब्रिटिश बढ़ता रहा, और ये बढ़ते 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 हम लोग देखते हैं कि वे लोग प्रशासन में खूब अच्छे तरह से भाग लेने लगे। अब उन लोग का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को और बढ़ाना चाहता, ठीक है, अंग्रेजों अपने क्षेत्र को और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए वो लोग शहरी इलाके में, हम लोग को पता है गांव में वो लोग नहीं थे पहले, शहरी इलाके में बंगाल में देखे या जहां भी देखे, देखना फैक्ट्री साइट में गया वो लोग, जहां पे उद्योग और व्यापार पहले से था, या बंदरगाह वाला साइड में, ताकि तुरंत वो इकोनॉमी में घुल मिल जाए। गांव देहात के इलाके में उनका उतना अच्छा संपर्क नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को लगा अगर हम लोग इस क्षेत्र में भी जो थे हमारे जो क्षेत्र हमारे टच में नहीं है उसको भी अगर हम लोग अपने कंट्रोल में कर ले तो हमारा टैक्स जो इनकम हो रहा है वो और भी बढ़ जाएगा, वो काफी बढ़ जाएगा। अच्छा, अतः इस दिशा में अंग्रेज प्रयास करने लगे कि किस प्रकार हम अपने राजस्व को बढ़ाएं, टैक्स को बढ़ाएं, और शहरी न केवल शहर बल्कि ग्रामों में भी जाकर के छोटे छोटे कोने, भारत के कोने कोने ग्राम में जाके हम अपना व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। इसी के तहत उन लोगों ने सोचा कि हम रेलवे का स्टार्ट करते, रेलवे शुरू करते। देखो, रेलवे ने एक स्टोरी की तरह सुनो, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके तहत हम लोग देखते हैं 1834 में सबसे पहली बार एक प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, 1834 में। शुरू नहीं बोल रहा हूं कि शुरू कब हुआ, कि भारत में रेलवे का स्थापना होना चाहिए, ठीक है। और 1846 में एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है सिम्सी रिपोर्ट। हाँ, मैं एक नाम लिख देता हूं, आप लोग देखोगे, एक रिपोर्ट आता है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखोगे, SIMPSE रिपोर्ट। कब आता है? 1846। ठीक है, इस रिपोर्ट में इसी रिपोर्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो अंग्रेजी कंपनी होते भारत में रेलवे का विकास करना चाहते और स्थापित करना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इससे पहले जितने भी उद्योग या जितने भी इंडस्ट्री में अंग्रेज पैसा लगाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा लगाए, तो वो इतने बड़े नहीं थे। रेलवे का स्थापना करना आपको एक उद्योगों में आता है, पता ना, उद्योग तीन प्रकार आते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग।
तो रेलवे एक बहुत बड़ा उद्योग था, बहुत क्या उस समय का हम लोग बोल सकते हैं सबसे बड़ा इंडस्ट्री अगर कोई था तो अगर खोलना है तो रेलवे था, ठीक है। आज सबसे बड़ा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है, सेकंड रेलवे जो भी है। तो उसमें किस तरह से कितना पैसा कहां कहां से आएगा अंग्रेज, यह बात सही है अंग्रेजों ने बहुत लाभ कमाया था, लेकिन इतना भी लाभ नहीं कमाया था कि वो पूरा रेलवे भारत में स्थापित कर दे, और कमाया भी था तो उसको अंग्रेजों को सबसे बड़ा बात यह था कि उसको एक डर था कि चलो भाई हम रेलवे तो स्थापित कर देंगे भारत में, लेकिन कहीं इनकम नहीं आया तो, कहीं लाभ नहीं हुआ तो रेलवे स्थापित करके तो क्या होगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हम तो पटरी खोल खोल के नहीं ले जाएंगे अपने देश में। इज इट पॉसिबल फॉर ईस्ट इंडियन कंपनी? नो। तो लोग अपना दिमाग लगाए, भाई कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारा पैसा भी कम लगे और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अब क्या किया कि एक सिस्टम लाया, ठीक है, एक पद्धति लाया, आपको हम बताते हैं उस पद्धति का नाम गारंटी सिस्टम। और गारंटी सिस्टम के तहत, ठीक है, जो भारत में जो उद्योगपति थे, ठीक है, भारत के जो प्राइवेट उद्योगपति थे, आप लोगों को पता है जमींदारी, हम लोग सेटलमेंट देखे थे, जमींदारी सेटलमेंट के तहत हम लोग जमींदार तो बहुत पावरफुल हो गए थे, जमींदार के अलावा भी बहुत लोग सेठ लोग थे जिसके पास, भारतीय सेठ जिसके पास काफी पैसा था। हम लोग जमींदारी सेटलमेंट में देखे थे ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा लाभ कमा रहा है जमींदार लोग, ठीक है। तो वो लोग कहीं ना कहीं उन लोग के पास पैसा था और वो के एक की संख्या में थे, लाखों की संख्या में थे। तो उन लोग को लगा इन लोग का पैसा हम लोग लगाते हैं, तो इन लोग ने एक सिस्टम लाया बाय गारंटी। गारंटी सिस्टम के तहत ये बोला गया कि जितने भी निजी कंपनी है भाई, तुम्हारा जितना अमाउंट है, तुम्हारा पैसा है, तुम लगाओ, और तुम्हारा पैसा का जितना भी लगाओगे उसका 5% का गारंटी देंगे। 5% कम नहीं होता है, अच्छा ही है, सब भारत ये बोला कि वो बहुत अच्छा है। और ये जो पैसा था कहीं ना कहीं 99 years के लिए, ठीक है, हम देखते हैं 99 years के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, प्रीति रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, प्रीति टू मी मैसेज किए, रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा। तो 99 वर्षों के लिए लगा दिया, ठीक है, एक टाइम किया कि भाई 5% तुम लोग 99 वर्षों तुम लोग पैसा रखो और तुम्हारा जो पैसा होगा उसको हम लोग 5% करके देंगे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको रेलवे का नाम दिया गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑन पब्लिक रिस्क, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑन पब्लिक रिस्क। कितना अच्छा दिमाग लगाया वो लोग की, क्या लगाया ब्रिटिशर्स लोग, व्हाट दे यूज ओनली देयर माइंड नॉट देयर मनी, बिकॉज इन रेलवे इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 80% मनी वॉज इन्वेस्टेड फॉर द इंडियंस नॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इट वॉज अ क्या कहें हम लोग, इट वॉज अ ब्रिटिश इनिशिएटिव, बट जो अमाउंट था वो भारतीयों का ज्यादा था, ठीक है। तो ये तो अपना दिमाग लगा लिए, और रेलवे का स्थापना भी हम लोग देखते धीरे धीरे हो। उन्होंने चार उद्देश्यों को रेलवे के पीछे, आज अभी हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे पीडीएफ में क्या क्या था, आप लोगों को नोट्स से समझाएंगे। उन्होंने चार उद्देश्यों को रेलवे के सामने रखा, ठीक है। अब वो चार उद्देश्य क्या थे मैं बोलता हूं, लिखने का भी प्रयास कर पाऊं, आप लोग लिखो। पहला था रेलवे के, रेलवे भारत के आंतरिक क्षेत्रों में पूंजी का निवेश का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। उन लोगों को लगा कि जो हम लोग का, जो मैं पहले ही बताया था, स्टार्ट किया था, हम लोग का जो पावर है वो तो शहरी क्षेत्र में, बंदरगाह क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तो हो गया, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में अपना प्रभाव,
प्रभाव को जमाने के लिए आंतरिक क्षेत्र में किस प्रकार अपना प्रभाव को हम जमाएंगे, ठीक है, फैलाएंगे, और साथ ही साथ हम आंतरिक क्षेत्र से, आंतरिक क्षेत्र से कच्चे ठीक से नहीं लिखा, माल की प्राप्ति। देखो जो हमको सूत वगैरह प्राप्त होगा, जो भी कच्चा माल प्राप्त होगा, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ही ना खेती होती होता है, तो वहां से प्राप्त होगा, ठीक है, तो वहां पे हम जाएंगे, ठीक है। भारत में अपना प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ाना, भारत में अपना प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ाना, जैसा कि मैं बताया शहरी इलाकों में अंग्रेजों का नियंत्रण अच्छा हो गया था, अच्छा इस नियंत्रण को गांव तक भी ले जाने के लिए, ठीक है, आर्मी को गांव तक ले जाए। अब देखो कोई गांव में कंट्रोल करना है, ठीक है, कोई ग्राम में जाना है, पॉसिबल है आर्मी पैदल चल के गांव में जाके वहां पे आर्मी को रखेगा, ब्रिटिश के लिए पॉसिबल नहीं था, कोई तो माध्यम होगा, बस से ले जाएंगे तो बस से कितना ले जाएंगे, तो ट्रेन एक अच्छा साधन था कि उसमें ज्यादा व्यक्ति को एक साथ हम लोग ले जा करके वहां पे हम लोग रख सकते थे और वहां पे भी अपना साम्राज्य को विस्तार कर सकते। तो फिलहाल तो ये तीन ही रखो, मैं चार बोला था, ठीक है, पहला है आंतरिक क्षेत्रों में जाना, ठीक है, और अपना साम्राज्य को स्थापित करना, ठीक है, पूंजी को निवेश करना, उसके बाद आंतरिक क्षेत्र से किस प्रकार कच्चे माल निकालेंगे इसको देखना, और तीसरा आंतरिक क्षेत्र में अपना प्रशासन को भी बढ़ाना, ये तीन उद्देश्य के साथ हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने भारतीय रेलवे की स्थापना शुरू कार्य किया। और इंटरेस्टिंग ये चीज था, मैं जब 99 ईयर्स का बोला था, मैं ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है, कि भाई 99 ईयर्स तक ये एग्रीमेंट रहेगा। अब देखो जो भी आदमी इन्वेस्ट करता था, क्या कोई आदमी 99 वर्ष जीता था, हर आदमी, ज्यादातर तो आदमी मर ही जाता था उससे पहले, तो मर जाता था, अगर उसका कोई नहीं है तो उसका पैसा तो डूबा गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कितना दिमाग लगाता था अंग्रेज, कॉमन सेंस बात है, ठीक है। हम बोलेंगे लक्ष्मी 2 करोड़ रुपया दे दो, हम तुमको 2 साल 2090 में देंगे, ठीक है, क्या होगा लक्ष्मी, कोई फायदा नहीं होगा ना, चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का उन लोगों ने प्रयास करके हम लोग देखते हैं भारत में रेलवे का स्थापना किया। अब कुछ फैक्ट्स है कि कुछ फैक्ट्स में बता देता हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके काल में या किसने रेलवे के स्थापना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, या भारतीय रेलवे का जनक किन्हें कहा जाता है, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, इनको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस जो गारंटी सिस्टम था उसमें कितने प्रतिशत, ठीक है, का गारंटी लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 5%, ठीक है, और ये जो साइन हुआ था वो कितने वर्षों के लिए हुआ था, तो 99 इयर्स के लिए, ये भी पूछ सकता है वो जो एग्रीमेंट हुआ था कितने वर्षों के लिए होता था, 99 वर्षों के लिए होता है। तीसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, प्रथम भारतीय रेल कब और कहां से कहां तक चली थी, तो इसका प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक चली थी, ठीक है। दूसरा एक फैक्ट है कि भारतीय रेल, ठीक है,
दूसरी भारतीय रेल कब से कब तक चली थी? दूसरा, तो 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज, 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज, याद रहेगा ना। चलो ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं रेलवे का। अब हम लोग रेलवे से रिलेटेड कुछ कॉजेस फैक्ट्स को नोट फॉर्म में देखेंगे, जो थोड़ा और आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछा जा सकता है, मैं 3 प्रश्न बनाया हूं इस पर। देखो पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन, डिस्कस द एम्स एंड रीजन्स आप लोग का दिया भी हो शायद। ठीक है, माइक बंद करो सर। डिस्कस द एम्स रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे की स्थापना के कारण एवं उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे हैं किस किस, मैं जैसा कि बताया था कि 1757 1764 में युद्ध हुआ था। अब इसके क्या क्या कारण थे? पहला था सरकार का उद्देश्य। भारत में रेलवे की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य भारतीय जनता का कल्याण नहीं था, करना नहीं था, मतलब भारतीय जनता का कल्याण नहीं करना चाहते थे, बल्कि इनकी स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य, बल्कि स्थापना व्यापार के विकास के लिए, अपना जो व्यापार था ये लयन रख हो गया रेलवे, क्यों किया था? अपना व्यापार के विकास के लिए अपना किया गया था, देख रहे हो ना यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक उद्देश्य क्या था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के व्यापार कारण व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। हम लोग को पता है कि जिस समय अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उसी समय हम लोग देखते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रहा था। और औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि उन लोग को रॉ मेटेरियल अर्थात कच्चे माल की आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए था। तो ये कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? तो वो लोग इंडिया में आए, इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे, बनाते थे, और उसी सामान को इंडिया में कई गुना दामों में आकर के बिक्री करते थे। तो इसके लिए भी एक जो ग्राम क्षेत्र तक जाएंगे रेलवे का, जो विद इन कंट्री में जो होगा, देश के अंदर ही जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? रेलवे के माध्यम से होगा। रेलवे से हम आसानी से, ठीक है, सामान को हम ले जा सकते हैं। आप लोग नेट पे एक चीज क्या करना कि इंडियन रेलवे का ना इमेजेस वगैरह देखना, हाँ बहुत पुराना सब, तो मालगाड़ी वगैरह किस प्रकार के होता था कभी गूगल करना, तो वो तो तुमको देख के थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, जो अभी हम लोग रेलवे देखते हैं उस तरह का रेलवे नहीं था। हाँ, थोड़ा देखना, मैं देखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखना वहां पर खोल करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य में भी बोल दिए कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो था आर्थिक शोषण के साथ साथ अपने राजनीतिक प्रभाव, अपना जो प्रशासनिक प्रभाव था उसको बढ़ाना चाहता था। जो जो क्षेत्र में उसका अधिकार हो गया था, ठीक है चलो भाई, ठीक है, लेकिन क्या हम पूरे भारत में भी अधिकार कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, अगर रेलवे का विकास, अगर गांव-गांव तक अगर हम लोग जाने लगे, गांव-गांव से अगर हम लोग जुड़ जाए, तो वहां पे भी आर्थिक शोषण करेंगे और प्रशासनिक प्रशासन को हम लोग अपना ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि आपका बहुत सारा ट्राइबल आंदोलन भी हुआ इसके कारण। हम लोग देखते हैं कि रेलवे के स्थापने के पहले हम लोग देखते हैं बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ये विद्रोह, वो विद्रोह। अब देखो कि ये विद्रोह का क्या था, बेसिकली वो लोग जो उनके जमीन थे छीन करके उसको कटाते थे, अब ब्रिटिश कहीं ना कहीं अपने एरिया को एक्सपांस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो ये विद्रोह सबका भी बहुत बड़ा कारण था, मतलब वही लोग। ठीक है, उसके बाद है
जो बार बार अकाल वगैरह आ जाता था, ठीक है, कभी कभी उन लोगों का इनकम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको तो कमी आ जा रहा है, अकाल आ जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसका एरिया कम था, ऑब्वियसली एरिया अगर बढ़ता तो चलो इस क्षेत्र से नहीं हो रहा तो उस क्षेत्र से ले लेंगे, उस क्षेत्र से नहीं हो रहा इस क्षेत्र से ले लेंगे, अच्छा इसको इसको पूर्ति के लिए वो लोग रेलवे का स्थापना की। तो इस प्रकार लोग देखते हैं रेलवे का से ये सब हुआ, और रेलवे से कुछ लाभ भी हुआ, कुछ कुछ प्रभाव भी हुआ, इसका प्रभाव को हम लोग देखेंगे, ठीक है, अच्छे प्रभाव भी हुए, खराब प्रभाव भी हुए, उसको हम लोग देखेंगे। डिस्कस द एक्सटेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया, व्हाट वेयर इट्स इंपैक्ट, तो रेलवे का प्रसार किस प्रकार हुआ ये तो हम बोल ही दिए, हम लोग अभी बताएंगे इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो गारंटी सिस्टम में बता दिया, भारत में रेलवे का निर्माण के पहले ब्रिटिश पूंजीपतियों के माध्यम से शुरू किया गया, इस व्यापार के अंतर्गत बनी रेलवे को गारंटी सिस्टम कहा गया। गारंटी सिस्टम में क्या था, 4.5% से 5% का ब्याज दर फिक्स किया गया, ठीक है, जो भी है, सरकार का नियंत्रण किस प्रकार हुआ हम लोग देखे, नई गारंटी सिस्टम आया उसमें क्या था ये भी हम देखे, नई गारंटी सिस्टम, गारंटी सिस्टम के बाद और एक सिस्टम आता उसको नई गारंटी सिस्टम कहा था, ठीक है, इसमें क्या हो गया कि 1880 से लेकर 1900 के बीच में रेलवे का जो निर्माण हो रहा था उसके बीच एक नया गारंटी सिस्टम लाया गया, और इस गारंटी सिस्टम में पहले हम लोग क्या देख रहे थे 4.5% से 5% था, उसको और घटा कर दे दिया 3% से 3.5%। देखा अंग्रेजों को, भाई हमारा लाभ हो रहा है, बहुत सारा आदमी पैसा देने के लिए राजी हो रहे हैं और हम कम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, समझ में आया, और लाभ का जो 60% जो होता सरकार को मिल जाता था, तो उसमें कोई खराबी नहीं था, इसलिए वो लोग आए, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे का क्या क्या प्रभाव हुआ हम लोग देखते हैं, व्यापार पे प्रभाव, तो व्यापार पे प्रभाव हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश का जो एक मर्केंटाइल इकोनॉमी जो था, हम लोग देखे भी थे लास्ट में किस प्रकार कैपिटल इकोनॉमी बन गया है ना, कि शुरू में व्यापार वाणिज्य के लिए आया, धीरे धीरे अपना एकदम बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोल के बैठ गया, ठीक है, तो उद्योग का प्रभाव पड़ा, उद्योग पे अगर हम लोग देखें तो भारतीय उद्योगों का जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री और बहुत सारे इंडस्ट्री, वो तब खत्म हो गया, और अंग्रेजी उद्योग जो थे भारत में, ठीक है, वो स्थापित होने लगे, और साथ ही साथ इसका प्रभाव हम लोग विश्वव्यापी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योग यहाँ जो खत्म हुआ भारत, उसका कारण था अंग्रेजी उद्योग का सामने आना, तो यहाँ से तो लोग कच्चा माल ले जाते थे, ध्यान से सुनोगे, यहाँ से वो लोग कच्चा माल ले जाते थे, अपना इंग्लैंड में बनाते थे और उसी सामान को फिर भारतीय में बेचते थे, तो उन लोग का जो औद्योगिक क्रांति था, देखो क्रांति मतलब कितना डेवलपमेंट हो रहा था, और वहीं हम भारतीय उद्योग अगर देखें, छोटे उद्योग थे वो विनाश हो रहे थे। अब इसका कारण ये था, जो भी थे ब्रिटिश सामान खरीदना चाहते थे, क्योंकि इंडियंस के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, हाथों से बनाते थे तो एक समय भी ज्यादा लगता था, उतना अच्छा होता भी नहीं था और पैसा भी थोड़ा ज्यादा होता था, अब ब्रिटिश जो सामान बन के आते थे वो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तीनों होते थे, सस्ता इसलिए होते थे क्योंकि भारतीय कोई सामान को एक दिन में बना रहा है तो ये एक मिनट में दो मिनट में बना रहा है, ठीक है, सुंदर मशीन से बन रहा है सुंदर होगा और थोड़ा टिकाऊ भी होता था, ठीक है, तो ये सब वजह से इवन भारतीय लोग भी हम लोग देखे अंग्रेजी सामान का प्रयोग करने लगे, उपयोग करने लगे, ठीक है, और यह बोलते हैं कि अंग्रेज जब तक था हम लोग से करवाया उपयोग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेज जाने के बाद भी आज हम लोग देखते हैं हमारा जो टोटल इंडस्ट्री है वो चाइना, जापान और अन्य देशों पर निर्भर है ना, मोबाइल वोबाइल देखे तो, ठीक है, तो हम लोग का टेक्नोलॉजी अभी भी उतना डेवलप नहीं किया है जितना डेवलप करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कृषि पर प्रभाव, हमको पता है कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, स्पेशली जो कॉटन इंडस्ट्री था, कॉटन का जो दुरुपयोग हुआ इंडस्ट्री में उधर आ जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही खराब हुआ, और क्योंकि हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं जो कृषक थे उन लोग पे जबरदस्ती कुछ, ठीक है, खेती वगैरह करवाया जाता था, नील विद्रोह का नाम सुनोगे, ठीक है, नील विद्रोह का कारण क्या था, उसका कुछ एक तिहाई भाग पर तुमको नील की खेती करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती अत्याचार करता था और नील को ले जाते थे, ये नील कपड़ा को रंगाई में अंग्रेजों को बहुत हेल्प करता था, ठीक है, तो इस पर हम देखते कृषि पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, जो पहले खाद्यान्न उगाते थे अब उन लोगों को अंग्रेजों के अंदर बाध्य होकर उनके अनुसार फसल का उत्पादन किया। फिर हम लोग देखते हैं, इसी बीच हम लोग देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक टर्म है कृषि का वाणिज्यकरण, अंग्रेज ऐसे ही कृषि करना चाहते थे जिससे आसानी से और जल्दी कैश मिल जाए,
तो इसके लिए उन्होंने चाय, जूट, कॉफी, ये सब जो था कैश क्रॉप बोला जाता था, इससे आसानी से उनको जल्दी से पैसा मिल जाता था, इस पे ज्यादा बल देने लगे, ना कि खाद्यान्नों पे। तो ये भी अंग्रेजों को बहुत हेल्प किया। तो ये था हमारा पूरा इंडियन रेलवे हिस्ट्री का इतिहास। आप लोग को अब कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। चलो माइक ऑन करो, जिसको कोई पूछना है पूछ सकते हैं। कैसा लगा?